राज भर यहाँ के राशन को लेकर दबाव डाला कि कम क्यों दे रहे हो, तो बेशर्मी से वो लोग मारे पीटे हैं उनको, उसको लेकर भी केस भी किए थे, फर्जी केस कि ये लोग चोरी वोरी किए थे। और बताइए हम लोग क्या करें, इन गरीबों का कौन सुनेगा, बताइए आप लोग। और ऊपर से शासन आके 50,000 रुपया मांग रहा है, शासन भी यहाँ पे प्रशासन आकर कह रही है कि पैसा दो मैं तुम लोगों को रास्ता बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब बताइए सब लोग सुबह शाम तक रोटी के पीछे भागते हैं और ये लोग 50,000-60,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, जो कि राशन भी। नमस्कार, राजभर तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजभर तक। आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कहीं की बात हो जहाँ पे कोटेदार चोरी नहीं करता हो। हम आपको बता दें कि खबर जनपद आजमगढ़ की है, ग्राम अमावा टोंडापुर की खबर है, जहाँ पर कोटेदार आनंद कुमार सिंह ने 2 महीने से राशन नहीं दिया है। यह समस्या को लेकर वहाँ के निवासियों ने डीएम साहब से बात किया तो डीएम साहब ने भी शिकायत दर्ज कर इसके कार्रवाई करने का आदेश दिया। हम आपको बता दें कि ग्राम अमावा टोंडापुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के भारसी क्षत्रिय राजभर समाज, गांव वालों का कहना है कि कोटेदार आनंद कुमार सिंह राशन की कालाबाजारी करते हैं। हम आपको बता दें जिन लोगों ने राजभर समाज से कोटेदार आनंद कुमार सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा है, उनका नाम है गोलू राजभर जी हैं, परदेशी राजभर जी हैं, नंदलाल राजभर जी हैं, और हम आपको बताते हैं कि रामलौट राजभर जी भी हैं, सुदामा राजभर जी हैं। ऐसे लोगों ने राजभर समाज के इन लोगों ने कोटेदार आनंद कुमार सिंह के ऊपर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि उसी गांव के रहने वाले कोटेदार अभूत आनंद कुमार सिंह ने कटौती तथा राशन की कालाबाजारी पर लोगों ने आपत्ति किया, जिसमें गुस्से में कोटेदार आनंद कुमार सिंह ने अरुण कुमार भारसी क्षत्रिय राजभर समाज को अपने दरवाजे पर ही बेरहमी से पीटने लगा, जिसकी प्रक्रिया में 1 घंटे बाद राजभर समाज के लोगों ने भी उसके दरवाजे पर आ गए और उन लोगों ने भी कोटेदार को जमकर धुनाई कर दिया। हम आपको बता दें कि दोनों पक्षों को पुलिस ने शांति भंग में चालान किया और जमानत का भी करा दिया, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। राजभर समाज के लोग सुस्त पड़ गए और इसी का फायदा उठाते हुए आनंद कुमार सिंह ने उसके सहयोगियों में थाने में जाकर आनंद कुमार सिंह ने राजभर समाज के कुछ लोगों को बुरी तरीके से चोरी में फंसा दिया। मामला यह हो गया है कि राजभर समाज के लोग आज परेशान हैं। हम आगे आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। आप अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राशन के लिए गए थे हम लोग, तो बोले कि जाओ भागो यहाँ से, राशन हम लोग का लूट गया, राशन लूट गया ना, राशन बोले कि राशन लूट गया, उन लोग का 2 महीना का अंगूठा लगा के राशन, और कहा कि राशन दोबारा फिर आओ 3रा महीना का अंगूठा लगाओ तब राशन। और लॉकडाउन में भूखे मर रहा है गरीब आदमी, आप जानो कि कहाँ से हम लोग लॉकडाउन में कमा खा मारत, सब आके घर बैठ गए हम लोग भूखे लॉकडाउन लग गए। लोग इतने लोग के साथ, गरीबों के साथ ऐसा भेदभाव करता है, राशन के लिए लोग जाते हैं तो बोलता है कि राशन नहीं मिलेगा, भगा देता। और इनके घर के बच्चे गए थे तो मारपीट किए थे इन लोगों के साथ, राशन कम देने पर दबाव किए थे, हम लोग तो मारे पीटे, प्लस जाकर फर्जी मुकदमा भी करवाए थे सब कोर्ट से कि चोरी वोरी कर दिए हैं सब, ये सब गलत हो रहा है, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग की सुनवाई की जगह पहुंचाई जाए। ग्राम आवा टोडरपुर से हम हैं, थाना मुबारकपुर आजमगढ़ से बोल रहे हैं, किसी भी तरह करके इन गरीबों को साथ देने में आप सहमत हो के ऐसा न कि 2 महीना का हम लोग को राशन रोक ले, राशन के जाते हैं तो अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाएगा तो राशन मिलेगा। अब पहले के गरीबों के लिए कैसे राशन मिले बताइए लोग, पहले का राशन ये दे नहीं रहा है, पहले का 2 महीने का राशन लोग दबाव डाल रहे हैं तो कह रहा है कि अगला अंगूठा लगाइए तब ये राशन देंगे। जब और राशन को लेकर पहले ही से वो काटता है राशन 5-5 किलो और कह रहा है अब कि राशन नहीं मिलेगा, राशन आप लोगों की चोरी हो चुकी है और फर्जी मुकदमा करवाए हुए हैं हम लोगों के खिलाफ वो लोग। अब बताइए लोग हम लोग क्या करें, ये गरीब किस गरीबों का कौन सुनेगा, आखिर में कहाँ क्या करें लॉकडाउन में, उन लोग घेर मार वो पीट कर रहे हैं। एक लड़का था अरुण राजभर यहाँ के, राशन को लेकर दबाव डाला कि कम क्यों दे रहे हो, तो बेशर्मी से वो लोग मारे पीटे हैं उनको, उसको लेकर भी केस भी किए थे, फर्जी केस कि ये लोग चोरी वोरी किए थे।
और बताइए हम लोग क्या करें, इन गरीबों का कौन सुनेगा बताइए आप लोग। ऊपर से शासन आके 50,000 रुपया मांग रहा है। शासन भी यहाँ पे प्रशासन आकर कह रही है कि पैसा दो, मैं तुम लोगों को रास्ता बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब बताइए सब लोग सुबह शाम तक रोटी के पीछे भागते हैं और ये लोग 50,000-60,000 रुपये कहाँ से लाएंगे, जो कि राशन भी